हेलो स्टूडेंट, दीज आर हार्ड वर्ड्स ऑफ द पोयम द जिराफ। सी, फर्स्ट वन इज स्पायर, एस पी आई आर ई। सेकेंड वन स्टेपल चेस, एस टी डबल ई पी एल ई सी एच ए एस ई। थर्ड वन इज डिलाइट, डी ई L I G H T। फोर्थ वन इज एर, E R E। फिफ्थ थ्रोट, T H R O A T। सिक्स्थ इज मंच, M U N C H। सेवेंथ इज अर्ली, E A R L Y। एट्थ इज लंच, L U N सी एच। नाइन्थ इज हायर, एच आई जी एच ई आर। टेंथ इज राइट। आइए अब देख लेते हैं इसकी हिंदी। स्पायर मिस शिखर, स्टेपल चेस मिस घुड़दौड़, डिलाइट मिस खुश, एयर मिस पहले, थ्रोट मिस गला, मंच मिस चबाना, अर्ली मिस जल्दी, लंच मिस दोपहर का खाना, हायर मिस ऊंचा, राइट मिस सही। दीज आर वर्ड मीनिंग ऑफ द जिराफ। ओके, वर्ड एंड मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग इज इंस्पायर, ए टॉल पॉइंटेड टावर ऑन द टॉप ऑफ अ चर्च। मीन्स, वैसे तो इंस्पायर का मीन होता है शिखर, यानी कि सबसे ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं, चोटी के ऊपर का जो पॉइंट है उसको हम शिखर बोलते हैं। ए टॉल पॉइंटेड टावर द टॉप ऑफ अ चर्च। जैसे आप किसी मंदिर को बने हुए देखें या चर्च को बने हुए देखें तो ऊपर आप लोग देखते होंगे एक नुकीला सा भाग होता है जो सबसे ऊंची चीज़ होती है, उसी को हम शिखर बोलते हैं। स्टेपल चेस, स्टेपल चेस का मीन्स होता है घुड़दौड़, यानी कि जो सबसे तेज घुड़दौड़ करता है उसको बोलते हैं। ए रेस इन विच पार्टिसिपेंट्स जंप ओवर द फेंस वाटर एंड सो ऑन। मतलब कि ऐसी घुड़दौड़ जो सभी चीज़ों से ऊपर हो। लास्ट इज एयर, एयर मिस बिफोर, बिफोर मिस पहले। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द पोएट से टू प्रूव दैट द जिराफ। द पोएट सेज दैट इट इज हायर देन स्पायर। सेकेंड है, व्हेन डज द जिराफ वेक अप, इज दिस अ गुड और बैड हैबिट। A giraffe wakes up before the break of day. This is a good habit. In first question, see what does the poet say to prove that the giraffe? कि इसमें question में poet जो है वो क्या prove करना चाहता है giraffe के बारे में। द पोएट सेज दैट इट इज़ हायर देन स्पायर। जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो जिराफ है वो एक स्पायर से भी लंबा है। वेन डज द जिराफ वेकअप इज द गुड हैबिट और बैड हैबिट। जब जिराफ सुबह सो के उठता है तो ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? इट इज़ अ गुड हैबिट। सी द बुक वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड। द जिराफ इज टॉलर देन स्पायर, मीन्स जिराफ जो है वो स्पायर से भी टॉलर है, मीन्स लंबा है। वेन द पीपल चेज द जिराफ दे कॉल इट स्टेपल चेस। जब लोग उसके साथ चेस करते हैं, रेस को करते हैं, तो उसका नाम हम लोग उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपल चेस। द पोएट सेज दैट द फूट इन द जिराफ
throat takes very long to go down. पोएट कह रहा है, कवि कह रहा है, जब भी जिराफ खाना खाता है तो उसकी गर्दन लंबी होने की वजह से उसका खाना उसके पेट तक देर में पहुंचता है. इन द पोयम शाइन और वेट मीन्स, पोयम में साइन और वेट का मतलब क्या होता है? गुड और बैड. साइन का मतलब गुड और वेट का मतलब बैड. फ्रॉम द पोयम राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकांत. All, tall, higher, aspire, sit, wait, lunch, munch. So student, इस वीडियो में मैंने आपके कॉपी का चैप्टर नंबर 2 जो जिराफ था, द जिराफ, उसके हार्डवर्ड, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क सारा एक ही वीडियो में मैनेज कर दिया है.